राम कोस्टा। कहाँ से आते हैं? अजीरमा से। और यहाँ आने से पहले क्या क्या समस्याएं थी आपको? मेरे को ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल और कंधे में दर्द, पेट की परेशानी और उठने बैठने में परेशानी, काफ़ी कमजोरी, उठने और नींद की बीमारी इत्यादि बहुत। और ये सारी समस्याएं कब से था अंकल आपको? मेरे को 3 साल पहले थी। तो डॉक्टर से मिले थे आप? हाँ, डॉक्टर से। तो डॉक्टर ये सारी बीमारी में क्या बोलते थे? सबका दवाई दे देते थे। सबकी मेडिसिन दे देते? हाँ, सबका दवाई दे देते थे। वैसे 5 डॉक्टर का चल रहा था इलाज, 5 डॉक्टर अलग अलग थे। तो मेडिसिन आप रोज लेते थे अंकल? हाँ, अभी मेडिसिन अभी बंद नहीं किया, शुगर ब्लड प्रेशर। और बाकी सब? बाकी सब का बंद कर दिया। चलिए बस जोरदार तालियां। यानी सर जमाने से इनकी बस बीवी और शुगर के भी लेते हैं, बाकी सब मेडिसिन जितने लेते थे सब बंद हो गया। और पहले दिन भर में कितना गोली लेते थे अंकल? पहले करीब 30 गोली खाई थी। 30? 30। देखिए दिन भर गोली, दिन भर में पहले 30 गोली खाते थे। और अभी कितना खाते हैं अंकल? अभी 6 गोली। बस 6 खाते हैं अभी, बस 6 गोली खा रहे हैं। तालियां तालियां मारते हैं जोरदार तालियां। और अंकल अभी क्या क्या फ़ायदा हुआ है आपको सेरा जमाने से? सेरा जमाने से रोज मैं पिछले 8 महीने से आ रहा हूँ, और जो मेरा हाथ पैर का जो दर्द था वो करीब करीब ख़त्म हो गया है। घुटने का भी दर्द ख़त्म हो गया है। खाली डायरेक्ट मैं बैठ नहीं सकता ज़मीन में अभी भी, वो एक परेशानी है। और शुगर लेवल बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसको लेते रहिए अभी ब्लड प्रेशर शुगर का, क्योंकि जैसे बंद कर देंगे तो हो सकता है बढ़ जाए, इसलिए उसको लेते रहता है। और क्या फायदा हुआ अंकल? और बाकी ताकत के लिए आयुर्वेद में वो च्यवनप्राश वगैरह है, च्यवनप्राश है, अश्वगंधा है, ये 2 चीज लेता हूँ। बाकी सब आराम। बाकी ये कैसे फायदा मिला आपको यहाँ? यहाँ आने पे काफ़ी फायदा। और यहाँ आने के बाद क्या किया अंकल, किसी देखभाल किया? मैं रीढ़ की हड्डी का यहाँ देखभाल होता है वो सब यहाँ, और यहाँ के स्टाफ लोग काफ़ी ध्यान दिए मेरे प्रति और बहुत सजग रहे मेरे प्रति, क्योंकि मेरी स्थिति देख के लोग भी वैसे डर गए थे कि कहीं ऐसा नहीं कि यहीं टपक जाएगा। तो काफ़ी ध्यान देते थे। वैसे क्या मैं 3 महीने तक खाट में रहा यहाँ, 3 महीने तक खाट में रहा, और मैंने उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होती थी मेरी। अभी सब ठीक है? अभी अभी तो मैं साइकिल चला के आता हूँ। 2 तालियां एक बार। अजीमा से ये रोज साइकिल चला के आते हैं, रोज साइकिल चला के जाते हैं, 8 महीने से वैसे ही कंटिन्यू। तो सर जी को क्या समझते हैं? सर जी को क्या समझते हैं अंकला? अब क्या बोलना चाहेंगे सर जी के प्रति? लोगों को सब लोग, मैं चाहता हूं कि सभी लोग नियमित रूप से आए और एक दूसरे को सहयोग करें, मतलब एक दूसरे को इसके बारे में बताएं और अधिक से अधिक संख्या में लाने की कोशिश करें लोगों को यहाँ, ताकि सभी लोग स्वस्थ और सुखी रहें। चलिए बढ़िया तालियां। और अभी कितनी एज हो रही है अंकल आपकी? मेरी 74 आज पूरी हो गई, कल से 75 शुरू हो जाएगी।